नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने कूल्हों पर यानी कि हिप्स पर जमी हुई चर्बी को पिघला सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कौन कौन से आहार का सेवन कर सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिनके जरिए आप अपने अतिरिक्त वजन को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। बहुत सी महिलाएं अपने हिप्स को सही आकार में लाने के लिए तरह तरह के उपाय करती रहती हैं। जब शरीर को फिट और सही शेप में रखने की बात आती है तो ज्यादातर महिलाएं सेलिब्रिटीज को फॉलो करती हैं और जिम जाकर एक्सरसाइज के जरिए अपने शरीर को मनचाहे आकार में लाती हैं। आजकल ज्यादातर महिलाएं अपने शरीर को स्लिम और जीरो साइज में लाने के लिए पसीने बहाती हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो अपने हिप्स को सही आकार में लाने की कोशिश में लगी रहती हैं। गोलमटोल हिप्स से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ता है, इसीलिए वे हिप्स के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना कई तरह की एक्सरसाइज जरूर करती हैं, लेकिन सही तरीके का आहार लेकर भी हिप्स को गोलमटोल और सही आकार प्रदान किया जा सकता है। ज्यादातर भारतीय महिलाओं के लिए बड़े कूल्हे, बड़े हिप्स काफी परेशानी का कारण बनते हैं। कई बार महिलाओं के कूल्हे अनुवांशिक तौर पर भी बड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम नवीनतम परिधान और स्टाइल का पालन नहीं कर पाते हैं। यदि आपके कूल्हे भी काफी बड़े हैं, जिसकी वजह से आपकी सुंदर काया भद्दी लगती है, तो यह समय इसे लेकर कुछ करने का है। कूल्हे की चर्बी कूल्हे वसा जमा करने का शरीर का चुना हुआ भाग होता है, एवं इन्हें छोटा बनाने के लिए पहले आपको इस वसा को कम करना होता है। आप स्वस्थ खानपान से ये जरूर कर सकती हैं, पर इसके साथ साथ व्यायाम करना भी काफी जरूरी होता है। ऐसे कुछ घरेलू नुस्खे होते हैं जो आपको इस अतिरिक्त चर्बी को दूर करने में मदद करते हैं और आपके कूल्हों को छोटा करते हैं। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो के जरिए 15 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जिनके जरिए आप अपने हिप्स को सही आकार में ला सकती हैं। इन खाद्य पदार्थ में सबसे पहला स्थान आता है टमाटर का। टमाटर स्वास्थ्य के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। यह वजन घटाने के साथ ही उच्च रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। टमाटर के अंदर एमिनो एसिड और लाइकोपिन पाया जाता है, जो हिप्स की मांसपेशियों को मजबूत करता है और उसे सही आकार प्रदान करने में गजब का मददगार होता है। इसके अलावा आप स्वीट पोटैटो का भी सेवन कर सकते हैं। रोजाना घरों में उपयोग होने वाला आलू की अपेक्षा स्वीट पोटैटो में कैलोरी कम मात्रा में पाई जाती है, जो फैट को कम करने में बहुत ही गजब का सहायक होती है। स्वीट पोटैटो में प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि महिलाओं में हिप्स के मांसपेशियों के निर्माण करने में मददगार होता है, और यदि आप इनका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आप हिप्स को सही आकार में ला पाते हैं। यदि आप मांसाहार के शौकीन है तो आप लीन चिकन का सेवन कर सकते हैं। विशेष रूप से एक्सरसाइज के बाद भोजन के रूप में नियमित लीन चिकन खाने से पैर, ऊपरी जांघों और हिप्स के मांसपेशियों का निर्माण होता है, जिससे वे बड़े और अधिक गोलमटोल दिखते हैं। तो यदि आप भी अपने हिप्स को गोलमटोल करना चाहते हैं और आप मांसाहार के शौकीन हैं, तो आप लीन चिकन का सेवन कर सकते हैं। और यदि आप शाकाहार डाइट ही फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एवोकाडो का सेवन कर सकते हैं। एवोकाडो खाने से स्वास्थ्य को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से शरीर के निचले हिस्से की एक्सरसाइज के बाद नियमित एवोकाडो खाने से हिप्स पर मांसपेशियों के उत्तकों का विकास होता है, जिससे आपके हिप्स को सही आकार प्राप्त हो जाता है। इनके अलावा यदि आप ब्राउन राइस का भी सेवन करते हैं तो भी आप इस फायदे को उठा सकते हैं। यदि आप वजन कम करना चाहती हैं और हिप्स के आसपास मांसपेशियां बनाना चाहती हैं, तो आपके लिए व्हाइट राइस की अपेक्षा ब्राउन राइस काफी फायदेमंद होता है। इसके अंदर प्रोटीन और पोटेशियम पाया जाता है, जो हिप्स की मांसपेशियों को बढ़ाता है। हमारा आज का अगला खाद्य पदार्थ है ओट्स। ओट्स एक्सरसाइज के पहले या फिर बाद में भी खाया जा सकता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है, जो प्राकृतिक रूप से शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और महिलाओं के अंदर हिप्स की मांसपेशियों को बढ़ाता है। तो आप भी एक्सरसाइज से पहले या फिर बाद में ओट्स का सेवन जरूर कीजिए। हमारा आज का सातवां खाद्य पदार्थ है चना। चने के अंदर अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो फैट को कम करने के साथ ही
मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जो महिलाएं अपने हिप्स को बढ़ाना चाहती हैं, उनके लिए चना काफी उपयोगी साबित हो सकता है। वो रोजाना अंकुरित चनों का सेवन कर सकते हैं और अपने हिप्स को गोल मटोल बना सकते हैं। अखरोट का सेवन करने से दिमाग को तो तंदुरुस्त बनाया ही जा सकता है और इसके साथ साथ आप अपने हिप्स को गोल मटोल कर सकते हैं। रोजाना मुट्ठी भर अखरोट खाने से हृदय रोग से भी मुक्ति मिलती है और इसके साथ साथ याददाश्त भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके अंदर मौजूद मिनरल्स हिप्स के मांसपेशियों के उत्तकों को बढ़ाता है, जिसमें महिलाओं के हिप्स में बढ़ोतरी हो जाती है। सर्दियों के मौसम में जो बहुतायत मिलती है वो है पालक। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर प्रोटीन और आयरन अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन हिप्स की मांसपेशियों को बढ़ाने में मददगार होती है और आयरन इसके रक्त प्रवाह को ठीक रखता है, जिससे आपका हिप्स सुंदर और सुडौल दिखने लगता है। आज का हमारा 10वां खाद्य पदार्थ है मेथी। मेथी में प्रोटीन पाया जाता है। मेथी का नियमित रूप से सेवन करने से हिप्स के आसपास की मांसपेशियों के उत्तकों को बढ़ाने में काफी उपयोगी साबित होता है। मेथी महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स भी पैदा करता है, जो हिप्स के मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। हिप्स को गोल मटोल बनाने के लिए आप अंडे का भी सहारा ले सकते हैं। रोजाना नाश्ते में अंडा खाने से सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम ही ठीक नहीं रहता है, बल्कि यह शरीर के फैट को भी कम करता है। अंडा हिप्स के आसपास की मांसपेशियों का निर्माण करता है। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हैं तो हिप्स के आसपास आसानी से मसल्स का निर्माण किया जा सकता है। हमारा आज का 12वां खाद्य पदार्थ है बादाम। बादाम के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। स्नैक्स में नियमित तौर पर बादाम का सेवन करने से हिप्स के आसपास की मांसपेशियों का विकास होता है। ग्रीक यानी कि दही। दही को नियमित रूप से खाने से पेट में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है, जो हमें स्वस्थ रखने का कार्य करती है। इसके अलावा दही के अंदर प्रोटीन और कैल्शियम मौजूद होने के कारण हिप्स के आसपास की मांसपेशियों के निर्माण में भी यह सहायक सिद्ध होता है। यदि आप मांसाहार का शौक रखते हैं तो आप मछली का सेवन करते हुए हिप्स को गोल मटोल कर सकते हैं। मछली के अंदर आमतौर पर कैलोरी कम लेकिन मिनरल और ओमेगा 3 फैटी एसिड की अधिक मात्रा पाई जाती है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड हिप्स पर मांसपेशियों के उत्तकों को बढ़ाता है, जिससे कि हिप्स अधिक गोल मटोल दिखता है। और यदि आप मांसाहार का सेवन ना करना चाहते हो तो आप किनोवा का सेवन कर सकते हैं। किनोवा में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए जो लोग अपने फिटनेस पर अधिक ध्यान देते हैं उन्हें पोषण विशेषज्ञ किनोवा खाने की सलाह देते हैं। महिलाओं में यह हिप्स की मांसपेशियों का निर्माण करता है। अपने कूल्हों यानी कि हिप्स को सुडोल एवं गोलमोल बनाने के लिए आपको कुछ व्यायाम भी जरूर करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला आता है स्क्वैट्स का। स्क्वैट से आप हिप्स को छोटा कर सकते हैं। स्क्वैट्स आपके कूल्हों की मांसपेशियों को सुडोल बनाने तथा छोटे हिप्स प्राप्त करने में काफी गजब के कारगर सिद्ध होते हैं। अपने पैरों को कंधों जितनी दूरी पर आप रखें और घुटनों को मोड़ कर कुर्सी की मुद्रा बनाकर हिप्स को नीचा करें। इस मुद्रा को 2 सेकंड तक आप बनाए रखें तथा फिर सीधे खड़े हो जाएं। इस बात को आप सुनिश्चित करें कि व्यायाम करते वक्त आपका धड़ बिल्कुल सीधा हो और आपके घुटने आपके अंगूठों के सामने ना जाए। इसे आप 5 के सेट में करीब 3 बार अवश्य दोहराए तथा इसे धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं। कूल्हों को सुडोल बनाने के लिए आप योग आसन का भी सहारा ले सकते हैं। कूल्हे हमारे शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो बेडोल हो जाने पर पूरे शरीर के आकार को प्रभावित कर देता है। खासकर महिलाओं में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जो फैट के रूप में जमा होता है और आसानी से कम भी नहीं होता है। योग के द्वारा कूल्हों के फैट को कम करने का तरीका बहुत ही प्रभावकारी और प्राकृतिक होता है, जिसमें आपको धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रयोग से आप अपनी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। इस आसन को करने के लिए आपको उत्थिता हस्तपाद आसन करना होता है। इस आसन के लिए आप सीधा खड़े हो जाएं और अपने हाथों को कमर में रखें। अब बाएं पैर के सहारे खड़े होते हुए दाहिने पैर को सामने की तरफ सीधा करें और दाएं हाथ से दाएं पैर को छूने की कोशिश कीजिए। इस दौरान आप लंबी सांसें लें और सांसों को बाहर छोड़िए। अब दूसरे पैर से
किसी कर्म को आप दोबारा दोहराए। इस आसन को नियमित तौर पर करते हुए आप अपने कूल्हे के साइज को घटा सकते हैं और उन्हें सही आकार दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए और इन एक्सरसाइज और योग आसन का पालन करते हुए अपने कूल्हों को सही आकार देते हुए अपने अतिरिक्त वजन को बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं। तो यदि आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम रोजाना आपके पास इस प्रकार की नई व रोचक जानकारियां लेकर आते हैं जिनका फायदा उठाकर आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और नीचे के दिए हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यदि आप इस आइकन को क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा अपलोड की गई सभी वीडियो आपके पास उचित समय पर सबसे पहले पहुंच जाती है, जिनका आप उचित फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।